पैसे के लिए कर रही हूँ सब कुछ। ये आलिशान महल, होटल का बिजनेस, नंदनी के लिए रिंग, शादी की शॉपिंग, ज्वेलरी, ये सब देख के लालच आ गया ना तुम्हें। समझ आ गया होगा कि एक्टिंग करके तो इतने पैसे कमा नहीं पाऊंगी, इसीलिए सब कुछ कर रही हो ना। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें 10 साल पहले रिजेक्ट किया था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इंसान की कदर सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, उसके दिल, उसके भावनाओं से की जाती है। लेकिन ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, तुम अपने आप से ज्यादा किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिससे प्यार करो ना उससे अपने आगे और अपने ऊपर रखा जाता है, जो कि तुम कभी कर नहीं सकते। और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना किया था। तुम्हारे पास दिल हो ना हो, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इस एहसास को कैसे रोकूं मैं? कैसे? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तुमसे दूर जाने के ख्याल से मैं डर जाती हूँ। और वही डर आज मुझे यहाँ खींच लाए। उस दिन मैं तुमसे कह नहीं पाई आकाश, लेकिन आज मैं तुमसे कहती, तुम्हें सच सुनना है ना, तो सुनो। सच्चाई ये कि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि उस नंदिनी से शादी कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो मंगलसूत्र पहना, और इसीलिए मैं आज यहाँ आई थी ये कहने के लिए, क्योंकि आज अगर मैं ये नहीं कह पाती तो शायद कभी नहीं कह पाती। और इसीलिए इतनी रात को यहाँ अकेली आ गई मैं। आई लव यू आकाश, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। आपने आकाश को देखा क्या? उस तरफ। Really? तो फिर दिखाओ ये प्यार। मतलब ये कि प्यार छुपाया नहीं जाता, प्यार जताया जाता है। तो जताओ सबके सामने अपना ये प्यार, यकीन दिलाओ मुझे।